बात करते हैं इंदौर की, जहां एक बैंक में नौकरी दिलाने के बहाने छात्रा के साथ रेप करने वाले रिलेशनशिप मैनेजर को पुलिस ने बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने दोस्तों के यहां छिपा हुआ था। पकड़ाने के बाद उसने छात्रा से दोस्ती होने की बात कही है। पुलिस को बताया कि छात्रा मुझ पर जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बना रही थी। टीआई संतोष दूधी के मुताबिक महालक्ष्मी नगर में रहने वाली 22 साल की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने नवनीत कपिल निवासी गीता भवन स्थित नव रिजेंसी के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। आरोपी को बुधवार की रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने बताया था कि नवनीत से उसकी पहचान मेट्रो टावर स्थित एक बैंक में हुई थी। यहां नौकरी की बात कर आरोपी ने उसे अपने जाल में फंसाया था। आरोपी पहले निपानिया इलाके में रहता था। यहां नवनीत ने अपने अंडर में रखकर हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी दी, बाद में वर्क फ्रॉम होम का कहकर अपने साथ फ्लैट पर रखा और रेप किया, जिसके बाद 8 माह तक लगातार मारपीट करता रहा और उसे सैलरी के रुपए भी नहीं दिए थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि दोनों काफी समय तक लिव इन में रह रहे थे। छात्रा अपनी शर्तों के मुताबिक काम करवाती थी, उसे शादी करना था लेकिन वह समय मांग रहा था, पर छात्रा जल्दी शादी को लेकर लगातार दबाव बना रही थी। इसके बाद वह अलग रहने लगी थी, उसके परिचित ने ही उसे मिलवाया था। वह अकेली होने की बात पर मदद का कहा था। इसमें एक नवनीत कपिल नाम का आरोपी है, जो कि इंडसइंड बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर पदस्थ है। इसने एक पीड़िता है जो कि महालक्ष्मी नगर में रहती है, को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ में 15 दिन बाद शारीरिक शोषण किया और उसके साथ मारपीट वगैरह की है। जब पीड़िता ने उसके साथ रहने से इनकार किया तो उसने पीड़िता को एयरगन दिखाकर और डरा धमकाकर जबरदस्ती अपने साथ रखा और उसका लगातार शारीरिक शोषण किया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है आरोपी को? पीड़िता के निवास स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया, महालक्ष्मी नगर। मैम, ये जो आरोपी है करता क्या है और क्या बैकग्राउंड? इंडसइंड बैंक में वेल्थ मैनेजर की पोस्ट पर।